हे गाइस, वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। आज की इस वीडियो में दिखाएंगे करिश्मा कपूर की हेल्थ अपडेट। जैसे हमने आपको बताया था कि करीना कपूर खान ने रिवील किया था कि करिश्मा को हो गया है कोविड, और आज ही उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर अपनी ये पुरानी थ्रोबैक पिक्चर अपने फैंस के लिए शेयर की। और काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स थे कि करिश्मा कपूर की हालत जो है क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अभी होम क्वारंटीन है और उन्हें कोविड के माइल्ड सिम्टम्स हैं, ज़्यादा उनकी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। और ये सारी र्यूमर्स फेक हैं कि उनकी क्रिटिकल कंडीशन है। सो गाइज, आपको बता दें, थोड़े दिन पहले ही उन्होंने सेलिब्रेट किया था अपने पापा रणधीर कपूर जी का 75th बर्थडे, और साथ में थी बबीता कपूर, करीना कपूर, उनकी बेटी सुमायरा और भी कपूर फैमिली के कई मेंबर्स। और उसके बाद देखा गया करीना कपूर खान के बेटे जे अली खान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए करिश्मा कपूर को। काफ़ी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी करिश्मा कपूर को कोविड हो गया है। जब लास्ट ईयर उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट की थी कपूर फैमिली के घर, तब मीडिया ने काफ़ी उनको बोला था कि मास्क रिमूव करिए, फोटोग्राफ्स क्लिक करनी है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। इससे पता लगता था कि वो कितने ज़्यादा कंसर्न थे अपनी हेल्थ को लेकर। करिश्मा कपूर को कोविड हुआ था वेडनेसडे, लेकिन किसी को नहीं बताया गया था ये। तो कल करीना कपूर खान काजोल से मिली तो उन्होंने हेल्थ अपडेट दी लोलो की, यानी कि करिश्मा कपूर की, कि उसको हुआ है कोविड। तो ही सभी को पता लगा कि करिश्मा कपूर कोविड पॉजिटिव है, अदरवाइज किसी को नहीं पता था। क्योंकि जब करीना कपूर खान को कोरोना हुआ था तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया था कि वो कोविड पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा करिश्मा कपूर ने किसी को कुछ नहीं बताया। बट कोरोना होने के बावजूद भी करिश्मा कपूर पूरी एक्टिव है अपने सोशल मीडिया पर। जैसे हमने आपको दिखाया, वो थ्रो बैक पिक्चर्स शेयर कर रही हैं अपने फैंस के साथ, और फैंस भी विश कर रहे हैं कि करिश्मा जल्दी से रिकवर हो जाए। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।